बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स टेन वाई एक्स प्लस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरीके के प्रॉब्लम जिसमें दो टर्म दे रखे हों लेकिन वेरिएबल जो है वो देख रहे हैं कि मिक्स में है, डी एक्स के साथ डी वाई भी है, डी वाई के साथ एक्स भी है और डी एक्स के साथ वाई के फैक्टर भी हैं। तो ऐसे केस में हम वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए एक टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड के। अगर हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखें सेक स्क्वायर वाई इंटू टेन एक्स डी वाई को, तो इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाने पर माइनस का हो जाएगा ये sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई इंटू डी एक्स। अब जिधर डी एक्स हो और डी वाई हो, डी एक्स और डी वाई जिधर हो उस तरफ आप इनके टर्म्स पहुंचा दें, यानी डी वाई जैसे है तो वाई वाले जो फैक्टर्स हैं उनको एक साइड होना चाहिए। जैसे डी वाई के साथ sec स्क्वायर वाई है, ठीक है ये, लेकिन यहाँ पर जो टेन वाई है इसको यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको हमें इस डी वाई के साथ होना चाहिए। तो इसको हम राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट में लाएंगे, यहाँ तो मल्टीप्लाई में है, जब लेफ्ट में जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर एक्स वाले टर्म है, ठीक है, लेकिन इनको भी एक्स के साथ होना चाहिए तो इसको हम बदल जाएंगे। ध्यान रहे कि डी एक्स और डी वाई को न्यूमरेटर में ही रहना चाहिए, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं sec स्क्वायर बाई डी वाई और इस टेन वाई को ले आएंगे अपान में आ जाएगा ये, क्योंकि हम साइड चेंज कर रहे हैं तो अगर मल्टीप्लिन में था तो डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास राइट हैंड साइड में ये sec स्क्वायर एक्स डी एक्स है और इस टेन एक्स को अपान में ले आएंगे। अब फिर दोनों साइड कर देते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो sec स्क्वायर वाई ये वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा और इसी तरीके से राइट हैंड साइड में यहाँ पर देख रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में ये sec स्क्वायर एक्स अपान टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर हम टेन वाई को कुछ वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे कि u मान लेते हैं और टेन एक्स को मान लेते हैं t। तो टेन का डिफ्रेंसिएशन करने पर हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स होता है और x का डी एक्स होता है, t का dt होता है। इसी तरीके से टेन वाई का हो जाएगा sec स्क्वायर वाई और वाई का डी वाई और यू का डी यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल यू है, यहाँ पर टी है। अब इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो सिंप्लाइज दैट sec स्क्वायर वाई डी वाई की जगह पर डी यू हो जाएगा, अपान में हमने टेन वाई को यू माना है राइट हैंड साइड में, माइनस इस टेन एक्स को हमने टी माना है और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी हो गई है। इंटीग्रेशन करेंगे तो वन अपान यू का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, लॉग यू आ जाएगा, मॉडुलस भी होता है, माइनस इसी तरीके से लॉग ऑफ टी भी हो जाएगा। कॉन्स्टेंट को भी हम लॉग सी ऐड कर लें इसमें जो भी मॉडुलस के साथ में हुआ। अब राइट हैंड साइड में दो टर्म है लॉग के, तो आप एक बार लॉग लिखें, जो प्लस में है उसको तो न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो माइनस में है उसको लिख देंगे न्यूमरेटर में। ये लॉग यू के इक्वल चल रहा है, दोनों साइड से लॉग से लॉग हटा देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा यू मॉडुलस इज इक्वल टू सी मॉड अपान टी मॉड। तो ये टोटल का मॉडुलस है और इस मॉड को भी अगर हटा दिया जाए यू इज इक्वल टू सी अपान टी हो जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन करने पर u इंटू टी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। u की वैल्यू और t की वैल्यू पुट करें, u की वैल्यू टेन वाई है और t की वैल्यू टेन एक्स है और राइट हैंड साइड में सी देख रहे हैं एक कांस्टेंट आया है। यहाँ पर शुरू में लिखा था जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर एक ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर हम फाइंड करते तो डी वाई और डी एक्स मिल पाता, यानी ऐसा नहीं है कि सेकंड डेरिवेटिव हमको मिल रहा, फर्स्ट डेरिवेटिव ही मिल रहा है, एक ऑर्डर का है। तो इसके जो सोल्यूशन हम फाइंड करें उसमें एक ही कॉन्स्टेंट होना चाहिए,
जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतने ही अगर कांस्टेंट होते हैं तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारा ये सॉल्यूशन जो आया यहाँ पर वो जनरल सॉल्यूशन ही कहलाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाकरुद्दावाना अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।